लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं डायनेक्स की 40 नंबर बैटरी। जी हाँ, ये बैटरी है हमारे पास, ये डायनेक्स की 40 नंबर बैटरीज है। ये किस किस गाड़ी में इस्तेमाल होती है, क्या कुछ इसका प्राइस पड़ेगा और साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फीचर क्या है, ये सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप इसको लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, जो डायनेक्स जो कंपनी है, ये आप स्पेलिंग देख लें, DYNEX। अब ये जो ब्रांड है ये एक्साइड का ब्रांड है, ये यहाँ पर लिखा भी है आपको, मैन्युफैक्चरिंग बाय एक्साइड इंडस्ट्री। ये जो ब्रांड है ये एक्साइड का ब्रांड है, और एक अलग से एक कंपनी है वो डीनेक्स के नाम से है, DEANX कुछ ऐसा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ ये जो कंपनी है और वो जो कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये एक्साइड का ब्रांड है और इनकी बैटरीज ही आती हैं जो ऑटोमोटिव बैटरीज हैं वही आती हैं। अभी तो और कुछ आया नहीं है इनका, केवल ऑटोमोटिव बैटरी हैं, बाइक बैटरीज वगैरह हैं और ये कार वगैरह की बैटरी इनकी आती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी कंपनी कौन सी है, क्योंकि उनकी जो LED आती है वो अलग कंपनी है। अब ये जो बैटरी है, अब दोबारा इस बैटरी पर आते हैं, इस बैटरी का जो इस्तेमाल है वो आपकी i10 में किया जाता है, आपकी जो ईओन है Hyundai की उसमें आता है, और जो ऑल्टो केटन वगैरह है उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसके रखने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप बैटरी रखते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, जो 32 और 35 नंबर बैटरी है उनसे इसका बड़ा साइज़ है, तो वहाँ अगर इसको रखने की जगह है तो आप वहाँ पर 40 नंबर बैटरीज़ को लगा सकते हैं, जिससे क्या है उससे थोड़ा बैकअप आपका ज़्यादा ही बढ़ेगा या फिर उसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि एक तो जहाँ ज़रूरत आपको 30 की है वहाँ आप 40 रख रहे हैं, तो सीधी बात है उसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा चल सकती है। तो इसका ये थोड़ा फ़ायदा है, अगर आप रखना चाहें तो इसको ऑल्टो केटन में भी रख सकते हैं। और इसका प्राइस है वो लगभग 3300-3400 के आसपास चला रहता है, वैसे प्राइस तो चेंज होते रहते हैं। तो ये थोड़ा इसका प्राइस का हो गया, अभी इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये हमारी डायनेक्स की 40 नंबर बैटरी, अभी देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। 18 महीने की वारंटी में, 1.5 साल इसकी वारंटी है, और ये है वही इसका वारंटी कार्ड, ये इसका कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है, और कोई कंप्लेंट वगैरह है तो आप इस पर डलवा सकते हैं। ये वारंटी कार्ड आप अपना ज़रूर फिल करवा लें जिस भी कस्टमर से ले या डीलर से लें आप, और ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है इधर। तो अभी देखते हैं बैटरी कैसी है। अब ये जो बैटरी है ये ज़्यादातर i10 में या जो आपकी, और इसको आप K10 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो Hyundai की ईओन गाड़ी है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये है 40 LBH, डायनेक्स कंपनी की है ऑटोमोटिव बैटरी। तो ये है भाई, ये है इसका माइनस का पॉइंट जो ब्लैक है, और ये है प्लस का जो रेड कलर में इन्होंने दिया हुआ है, ये थोड़ा टाइट है। ये है भाई इसका। अब सभी बैटरी में ऐसा ही है, जैसे मैंने उस कई बैटरीज में दिखाया कि ये जो पॉजिटिव जो है इसमें ये थोड़ा मोटाई में ज़्यादा होता है और ये थोड़ा बारीक होता है, ये देखिए ये दोनों। ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर सीरियल नंबर की फिट लगी हुई है। तो अभी देखते हैं इसकी साइड लुक कैसी है। तो ये है इसकी साइड से लुक भाई, ये नंबर दिया हुआ है डायनेक्स का, और ये है इसके जो एक और पॉइंट है उसकी लुक, और एक और है इसमें, ये इस साइड कोई चिट वगैरह नहीं। तो इसके बॉक्स में देखते हैं और क्या है, वारंटी कार्ड हो गया, और इसके बॉक्स में कुछ नहीं है, ये केवल दो ही चीज़ें हैं इसमें। और अभी देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कुछ। ये देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आप देखिए, ये इसकी MRP लिखी हुई है, और ये जो मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्साइड इंडस्ट्री ही करती है। ये उनका ऑफिस वगैरह का भी एड्रेस लिखा हुआ है, और ये उनका सिन नंबर है,
ये सब, यानी कि जो इसकी वारंटी वगैरह का, ये जो है एक्साइड का ही अपना एक ब्रांड है डाइनेक्स के नाम से, या फिर हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी एक्साइड से हो रही है, और डाइनेक्स एक जो है मार्केटिंग ब्रांड हो गया है इनका। तो ये अभी बैटरी, अगर आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो लगभग 3300 या 3400 के आसपास चलता रहता है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो इतिहास की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।